चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से खबर आ रही है, जहां बैकुंठपुर नगर पालिका के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि बैकुंठपुर नगर पालिका नेत्री अन्नपूर्णा प्रभाकर सिंह ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ के रवैये से परेशान होकर पार्षदों ने सोमवार को कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरिया कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि कोरिया कलेक्टर द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। अगर 7 दिनों के अंदर नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो 8वें दिन हम नगर पालिका का घेराव करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी पार्षदगण यहाँ पर सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करने आए थे। कलेक्टर साहब को ये शिकायत कर रहे थे कि सीएमओ साहब आज लगभग नगर पालिका में 13 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, एक भी परिषद की बैठक नहीं हुई है, बहुत सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे वार्डवासी भी परेशान हैं और शहर के कई नागरिक शिकायत भी करते हैं तो उससे वार्ड पार्षद भी परेशान हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जल्द से जल्द कुछ कार्यवाही करें ताकि शहर के लोग अच्छे से जीवन जी सकें। सीएमओ के खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर साहब को उनके संज्ञान में लाया है कि नगर पालिका बैकुंठपुर में सीएमओ अपने दफ्तर में नहीं बैठते हैं, दूसरा किसी भी प्रकार का कोई भी काम शहरवासियों का नहीं हो रहा, जन आक्रोश फैला हुआ है नगर पालिका के खिलाफ। ये सब संबंधों में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को पूरा कांग्रेस परिवार मिलकर आज उनको यह ज्ञापन दिए हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग तुरंत दूर करवाएंगे, ये आश्वासन हम सबको मिला है। और अगर आश्वासन जो दिए हैं कलेक्टर साहब, अगर 7 दिनों के भीतर अगर नहीं होता है ये जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं उस पर कार्रवाई, तो हम लोग अगले 8वें दिन हम लोग नगर पालिका का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे और आम सभा करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित में काम करती है और हमेशा करती रहेगी। आज हम सभी पार्षद मिल करके नगर पालिका के सीएमओ के रवैये से परेशान होकर के आज हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है और सभी मिलकर एक ज्ञापन दिए हैं। करीब आज 13 माह हो गए हैं, परिषद की बैठक नहीं हुई है और सभी वार्ड के कार्य रुके हुए हैं और सीएमओ को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और ऑफिस में वो नहीं बैठते हैं। इन सभी चीज़ों से हम बहुत आहत हैं, सभी पार्षद हमारे आहत हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है।